Lights, camera, action! IPML Pro lights पर ब्रा सिद्धार्थ कनन दिग्गज सिंगर्स बॉलीवुड स्टार्स सारी अंदर की बातें कॉन्ट्रोवर्सीज नोक जोक्स गॉसिप सब आपको यहां पर मिलेगी अंगार ही अंगार ट्रॉफी माटे फिट छे गुजरात रॉकर हिट छे दिल 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 आगे पीछे ऊपर नीचे पीछे पीछे आगे पीछे किधर किस भी जाओ कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ राइट तो बोलो दिल्ली ओए वाइगुरु दिस सॉन्ग एक एक उठा उठा के मारूंगा सेंशुअल सेल में सेंशुअल मेरे पास आई और बोली बिक्की प्लीज नो नो यू बी क्वाइट बोलो 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 मेरे भाई मेरे पास आई और बोली भाई वेब सीरीज चालू कर दो इनकी बम 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 ठीक है के बाप वापस बताओ किसे बम 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 अरे रुको ना यार शनिवार रवि बाकी सब गंडोगोल बंगाल टाइगर्स अल्लाह बोल बाकी सब जाए भाड़ में गर्दा उड़े सब पे चढ़े अपना ही रंग सरररररर यूपी दबंग जय हो पंजाब लायंस वाह भाई वाह ये कहां से आया ये सिर्फ आया है IPML Pro Lights पर अंगार इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पर अंगार क्योंकि द किंग द मसीहा ऑफ इंडियन म्यूजिक मीका पाजे थैंक यू मिर्जान और ये मेरा भाई है हम मेरे ख्याल से 12-13 साल से नहीं 14 साल से जानते हैं सो वैसे का वैसे सिद्धार्थ इसका राज तो बता दे क्या यार भाजी जब आप इतने हसीन इतने हैंडसम इतने प्यारे दिखते हो ना तो मैं आपका फोटो रखता हूँ सामने बोलता हूँ मुझे मीका पाजी जैसा दिखना है समझे आप सुबह उठता आपकी फोटो देखता हूँ सोते वक्त फोटो देखता हूँ तब ऐसे दिखता हूँ पाजी बहुत अच्छा लग रहा है यार इतने सालों बाद मिल रहे हैं एंड अब रॉक करेंगे पूरा पूरा पहले बोलो अंगार अंगार क्या बात है पाजी आप वी सेफ इंडिया पंजाब लायंस के साथ है आपकी टीम है क्या चुनौती देना चाहते हैं आपके बाकी राइवल्स जो हैं शान वहां पे है कैलाश खेर वहां पे है सारे दिग्गज वहां पे बताइए पाजी देखो जी सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा सारे मेरे भाई हैं एंड सारे बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन मेरे से थोड़ा कम वेल ये शो बहुत मस्ती वाला शो है एंड इसमें तो पूरा हम दिल से यू नो बहुत सालों बाद ये मौका मिला कि हम परफॉर्म करें और एक मंच पे इतने सारे कैप्टन आ रहे हैं जो पहले हम सारे जज होते थे लेकिन पहली बार ये शो का फॉर्मेट के हम सारे कैप्टन हैं और हर कैप्टन की टीम में एक से एक धुआंधार सिंगर हैं तो फुल धमाका होने वाला ओए वाइब्रू दिस सॉन्ग एक एक उठा उठा के मारूंगा अच्छा इतनी सारी प्यारी प्यारी सिंगर्स हैं हमारे शो पे असीस कौर है आपके टीम में यू नो शिल्पा राव जी है आकृति कक्कर जी है तो इन महिलाओं से क्या सीखेंगे आप रूपाली जग्गा है हाँ काफी लोग हैं और मैं इनसे मैं क्या सीखूंगा इनको तो मैं सिखाऊंगा भाई बहुत सारी चीज इनको मैं सिखा सकता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन मैं सिद्धार्थ कनान और मेरे साथ है एडुआरा यूपी दबंग के दबंगगिरी दिखाने वाले सलमान अली और कौन पायल देव 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 किसी को मेरा शौक है किसी को मेरा है नशा जवानी कहते हैं मुझे है मेरे आशिक हर जगह किसी को मेरी हसरत है किसी की मैं हूँ दिलरुबा मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ ये बताइए आप दोनों एक साथ हैं क्या दोनों मित्र हैं या इस लीग के दौरान दोस्ती होगी क्या सीन पायल मैं तो फैन हूं इनका एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं बोला जाए तो ही सुपरली टैलेंटेड आप डबल टैलेंटेड हो आप गाने गाते भी हो गाने कंपोज भी करते हो मतलब सब कुछ यही करते हैं पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी
ये बोल रहे हैं डबल टैलेंटेड, एक बाद एक, एक दूसरे के फैन क्लब्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं आप दोनों यार. हाँ. एक दूसरे का हाई फाई दो. कम ऑन कम ऑन. सुना कि जब भी कोई लड़की आपको प्रपोज करती है तो आप थैंक यू बोल के निकल जाते हो. थैंक यू बोलना चाहिए ना, बस ज्यादा आगे बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी. क्या दिक्कत होगी, हसीन लड़के हो, नौजवान हो, अभी तो वक्त है मोहब्बत करने का. और क्या बोलते हैं ना, जी ले बेटा अपनी जिंदगी जी ले. जब थैंक यू से काम चल जाए तो आगे नहीं बोलना चाहिए. बाबा जी की जय हो, बॉबी जी की जय हो. जी हाँ, वी सेव इंडिया, पंजाब लायंस के बॉबी देओल. व्हाट्स अप बॉबी? व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग? वेरी गुड टू सी यू मैन बॉबी. थैंक यू सो मच. बॉबी का सेकंड इनिंग्स, क्रिकेटर का टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स होता है, बॉबी का सेकंड इनिंग्स यार. हाँ, जब हम लोग कॉलेज में वो करते थे, बॉबी कर्ली है, दुनिया हसीनों का बेला. और अब नया जनरेशन जो है वो बोलता है बाबा जी की जय हो बॉबी. जप नाम, जप नाम, जप नाम, आशीर्वाद दो लीग के लिए बॉबी. तो अभी क्या होता है जब आप कहीं जाते हो तो लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? लॉकडाउन में मिला नहीं चांस बाहर जाने के लिए इतना, लेकिन पीपल आर, आई मीन पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड माय वर्क इन इट, सो आई एम रियली हैप्पी. तो क्या ये कह सकते हैं ये बॉबी का सेकंड इनिंग्स है? मेरे ये इंटरव्यूज में सेकंड इनिंग्स बहुत बार हो चुके हैं. ये मेरा ओटीटीपी का इनिंग है. ओटीटी का? अभी मुझे बताओ, पंजाब लायंस माने ये तो आपकी घर की खेती है यार, तो बॉबी कितना लाइनिश है अंदर, कितना बड़ा शेर अंदर से हो बताओ? आई लव म्यूजिक और म्यूजिक आई थिंक इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सो द बेस्ट थिंग इज दैट पंजाब, Punjabi music has always been the base of every Bollywood film, you know. They can't do a film without Punjabi music song in it. So I think it's great to be a part of Punjab Lions. Mujhe ye batao, Dharam Paji, Sunny Paji aur Bobby, saath mein kabhi kabhi gaana gaate hai kya farmhouses mein, ghar mein, aisa hota hai ki nahi? Mane, I'm not going to make you sing, don't worry, I know you too well for that, but haan, hota hai ki nahi? Nahi, papa apne purane gaane kabhi kabhi, he'll hum them and it's so nice to see him. बिकॉज उन्होंने इतनी फिल्में की हैं और इतने अच्छे से गाने उनको मिले थे उनके करियर में, तो अच्छा लगता है जब पापा गुनगुनाते हैं अपने गाने. वैसे भैया और मैं इतना गा नहीं सकते, यू नो हाउ गुड वी कैन, आई मीन इफ आई कुड सिंग आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस IMPL राइट नाउ. दिव्य भास्कर, गुजरात रॉकर्स मेरे साथ है. जो कहते हैं ना, ये रॉक स्टार की स्पेलिंग डेफिनेशन इन लोगों ने सिखाई है. गिव अप फॉर भूमि. तालियां. बीच में आवाज प्लस हैंडसम मैन जावेद अली, और साथ में मेरे प्यारे से बड़े भाई हेमंत. तालियां इसके लिए. यार तुम्हारा और पनीर चिली का क्या कनेक्शन है? पनीर चिल्ली, लोगों ने मुझे अच्छा, लाली टपक रही है पहले. बस सबसे पहले ये इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है कि मुझे पहले पता नहीं था कि पनीर चिल्ली को अकेला खाते हैं. केला खाते हैं? तो अकेला, अकेला खाते हैं, अकेला खाते हैं. हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि अकेला खाते हैं. फिर मुझे किसी ने बताया कि मैं रोटियों से खाता था उसको, बटर रोटी और पनीर चिल्ली. तो ये मेरी हमेशा से फेवरेट है. मैंने 5-5 दिन भी लगातार एक सेम ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा है पनीर चिल्ली से. क्या बात है यार, कूट कूट के पनीर चिल्ली आ रहा है तुम्हारी शक्ल से. पेड़े आ रहे हैं, पेड़े, मथुरा के पेड़े. तुम तो मेरे लड्डू हो मेरे लाल यार. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली. पर मुझे बताओ कि आप जो जो टीम स्पिरिट है आपकी, वो बहुत अच्छी बात है. पर मुझे बताया गया है कि भूमि, आपको प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा बाथरूम सिंगिंग का बहुत शौक है. अच्छा, मैं आपको बहुत ना शॉर्ट में ये समझाती हूँ बात. जब मैं 2-2.5 साल की थी सर, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने सबसे पहले सुनना शुरू किया. क्या बात है. एंड मैंने उनको, हमें मतलब जैसे जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहली बार जो मुझे म्यूज़िक कोई गाना समझ में आया हो तो वो, उसके बाद का जो एक और एक प्रोग्रेशन था वो था मैं हर रूम में गा रही हूँ या किचन में गा रही हूँ, एक ही गाना पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की. और फिर एक दिन मैं बाथरूम में मैंने गाना गा लिया, तो वो जो एक रेवरबरेशन था, वो रिवर्ब अलग से मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही कुछ अलग ही साउंड कर रहा है, अच्छा साउंड कर रहा है. तो उसके बाद तो कह सकते हैं कि मेरी करियर की पहली शुरुआत जो है वो बाथरूम से शुरू हुई. तो मैं बाथरूम सिंगर भी रह चुकी हूँ, उसके बाद मैं प्लेबैक सिंगर बनी हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. मुझे तो बाथरूम सिंगिंग बार मेरी बीवी ने मुझे बाथरूम से बाहर ही फेंक दिया, बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया. पर मुझे बताओ, गुजरात टीम के आप लोग माने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके आप लोग वॉरियर्स हैं, तो गुजराती खाना पसंद है कि नहीं भाई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं गुजराती खाने का बहुत बड़ा फ़ैन. मैं अगर अहमदाबाद जाऊं, बड़ौदा जाऊं या सूरत जाऊं, तो मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता. सिर्फ मुझे, मैं थाली ढूंढता हूं, थाली खाने बेस्ट.
अहमदाबाद में कोई भी बता सकता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके शोज़ हम करने के लिए जाते हैं, उनको सबको पता है कि जावेद आता है दोपहर में तो उसको थाली खाना है। तो मैं गुजरात जाता हूँ तो ऐसे भी मुझे गुजरात की दाल बहुत पसंद आती है, जो थोड़ी सी स्वीट होती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। और गुजराती खाना ऑफकोर्स, एक बार हम लोग फर्स्ट ना प्रोमो शूट कर रहे थे, भूमि ने कुछ बहुत ही बेहतरीन कुछ लेके आई थी हमारे लिए, माँ के हाथ का खाना, और वो भी गुजराती खाना। और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ स्टमक अपसेट था, लेकिन फिर भी मैं खा गया। एजुआरा यूपी दबंग, दो दबंग लोग, जी हाँ दबंगगिरी यहाँ से शुरू होती है। गिव इट अप फॉर नारी शक्ति टीम ओनर आकांक्षा चतुर्वेदी के लिए, सब ताली बजाइए सर। सुरेश जी, अरे क्या बात है ये यहाँ पे। और ऑफ कोर्स सुरेश रायना, जो ऑब्वियसली क्रिकेटिंग के दिग्गज है, पर म्यूजिक कूट कूट के इनके रगों से आती है। सर शक्ल में लग रहा है कि और एंजॉयिंग द म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल, वो एंजॉय कर रहे हैं। और शी इज़ अ गुड ओनर, एट द सेम टाइम शी इज़ बिकेम वेरी फ्रेंडली विद ऑल द कॉन्टेस्ट। हाउ स्वीट। मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने सबको कंफर्टेबल कराया और मेक श्योर की, और पूरी जोश के साथ, पूरे दबंग के साथ, जैसे यूपी दबंग नाम है तो सब एकदम जोश में है पूरी टीम हमारी। क्या बात है, इन्होंने कहा आप गुड ओनर है, यानी कि आपने इनके जो भी है ख्वाहिशें आपने पूरी की होंगी कि सुरेश भाई आपको ये गाना चाहिए, आपको मिल जाएगा, ये हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? हम आपको अभी नहीं बता सकते हमारी टीम के अंदर क्या क्या हो रहा है, आप दूसरे टीम वालों को बता देंगे, वी कैन नॉट। देखिए ओनर भी गुड प्लानिंग, क्या प्लानिंग है यार। अच्छा सुनो, क्या क्या तो अभी माहौल ये है कि सारे टीम ओनर्स आ रहे हैं, बोले उनकी टीम जीतेगी, दिल्ली वाले बोल रहे हैं यूपी नवाब्स और यूपी दबंग वाले लोग कौन है यार, माने कुछ नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं वो लोग, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है आप दोनों, क्या बोलना सुरेश जी? हमारे पास एक विस्फोटक बल्लेबाज है, छोटा सा बम है लेकिन जब वो फटेगा तो ऐसा फटेगा, वो इसका अलाप बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने जो आकांक्षा ने उनको सुबह देखा, जिस तरीके से उन्होंने अलाप किया तो कांप रहे थे सारे, तो वही काफ़ी है हमारी टीम के लिए। क्या बात है, वाकई में ऐसे हो रहा है कि आपको अंदर ही लग रहा है कि माने आप चौके छक्के मारेंगी? बिल्कुल, आप बस हमारी टीम को देखना, सबके छक्के उड़ जाएंगे। अच्छा सुरेश भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ यार, इंडियन क्रिकेट टीम में जो है आपका जो खिलाड़ी है, प्लेयर है, टीम मेंबर है, उसमें कौन सबसे म्यूजिकली इंक्लाइंड है, वो कौन है? नहीं, सारे लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। जब आप फैमिली से दूर रहते हो या फिर टूर पे जाते हो दो दो सौ ढाई ढाई सौ दिन, तो आपके पास एक आईपॉड होता है या फिर आपकी थॉट प्रोसेस होता है, वो इसी बात पर बोली अंगार। अंगार।